नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिमहेश की। तो मणिमहेश यात्रा सितंबर से शुरू हो रही है और कुछ जो भक्त है वो अभी से यात्रा कर रहे हैं, परंतु जो जिला प्रशासन और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसमें अभी तक जो प्रशासन है उसने मणिमहेश यात्रा के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि जो बारिश वगैरह हो रही है उसके कारण रास्ते यातायात ठप हो रहा है कई जगह, और जिसमें जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए यात्रा भी 1 सितंबर से शुरू हो गई, परंतु बहुत से लोग अभी यात्रा करके वापस लौट आए हैं। मैं भी मिला उन लोगों से। तो मणिमहेश यात्रा कैसे शुरू हुई, कब इसका शुरुआत हुई, कैसे भगवान शिव मणिमहेश में अवतरित हुए, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव देवों के देव महादेव है और कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, उन्हीं से अंत है, उन्हीं से शुरुआत है। और कहते कि जो भगवान शिव की कृपा का पात्र बन गया वो उसको अपने जीवन मृत्यु का भय नहीं रहता कि उसका जीवन कैसा होगा, उसकी मृत्यु कैसी होगी। परंतु ये भी हकीकत है कि ये जो हमने नकली मुखौटा पहन रखा है, ये शरीर रूपी अपने जो कवच बना लिया हमने, तो और इसी को हम महत्व दे रहे हैं, तो ये हमारी वास्तविक सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा से आई है और परमात्मा में लीन हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार ये मणिमहेश की यात्रा शुरू हुई है, तो इस प्रकार इसके बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब कुछ कहावतें हैं पुरानी जिसके अनुसार जब भगवान शिव तपस्या करने के लिए जो लीन होने के लिए अपनी जो वो तपस्या में लीन होते हैं उसके लिए जा रहे थे, तो माता पार्वती ने उनको रोका कि आप अगर जा रहे हो तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, और जो मेरे अंगरक्षक मेरी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। तो भगवान शिव ने अपनी जो झोली से भस्म निकाली और उसमें से एक भस्म से ही अपने जो एक रक्षक नियुक्त करती है माता की रक्षा के लिए, और उसको वरदान दिया कि जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कारण से भस्मासुर का नाम पड़ा और भस्मासुर का शुरुआत हुई और उसी शुरुआत से ये मणिमहेश की यात्रा शुरू हुई थी। तो जब उसने उसको भगवान शिव ने वरदान दे दिया भस्मासुर को कि तू जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया कि मैं आप पर आजमाऊंगा कि ये सही होता है, और वो माता पार्वती के को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लगा। तो जब वो भगवान शिव के पीछे पड़ा तो भगवान शिव को वहाँ से भागना पड़ा था, क्योंकि अगर वो भगवान शिव पे हाथ रखते तो ये संसार, ये पूरी जो कायनात है ये नष्ट हो जाती, क्योंकि भगवान शिव से ये सब कुछ है। तो उनको भागना पड़ा और जब वो वहाँ से आए, हाँ चंबा आए, और चंबा में जो वटवृक्ष है जिसके नीचे भगवान शिव ने अपनी जो पहला विश्राम किया था, और कहते हैं कि वो आज वटवृक्ष जो चंबा का चौगान है उसमें ही है। तो आज वो सदियों से, पता नहीं कितने सौ सालों से, वो आज भी वैसा का वैसा है हजारों सालों से। तो आज चंबा सल्तनत जिसकी स्थापना की थी सहल बर्मन ने, उसको आज हजारों साल बीत चुके हैं, और इससे पहले कि ये मणिमहेश यात्रा होती है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी पुरानी यात्रा है। भगवान शिव का जो आगमन हुआ चंबा में, तो उन्होंने अपना जो पहला विश्राम वटवृक्ष के नीचे किए, वहीं पर
वहाँ से जब वो वापस निकल कर आए तो वहाँ उनका अगला जो पड़ाव था वो बरमोर में था। तो बरमोर के बारे में हम जानेंगे, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो जब वो बरमोर पहुँचे तो बरमोर में होती थी माता बरमानी। आपको पता होगा जो पहली बार यात्रा करके करते कर रहे हैं इस मनमेश की, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो आप अगर मनमेश जा रहे हैं और आपने अगर मनी बरमानी माता के मंदिर में जाकर वहाँ स्नान नहीं किया है, अपना ही जो शुद्धि नहीं की है वहाँ पर, तो आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि भगवान शिव ने बरमानी माता को ये प्रदान दिया है कि जब तक कोई भी भक्त बरमानी माता के मंदिर में जाकर शुद्धि नहीं करवाएगा, अपनी जो वहाँ पर स्नान नहीं करेगा, तब तक वो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। हाँ, अगर जाके आप वापिस आ जाते तो यात्रा तो आप कर आओगे, परंतु जो उसका पुण्य है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप मनमेश जा रहे हो तो भरमौर से मनमेश जाकर आप भरमौर जाने से पहले आप बरमानी माता के मंदिर में जरूर जाइएगा, क्योंकि भरमौर से ही बरमानी माता से ही भगवान शिव की यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है ये भरमौर का है 84 मंदिर, जो आपको 84 टेम्पल्स भरमौर, जब आप जाओगे तो यहाँ आपको आओगे आप तो देखोगे ठीक किस प्रकार से यहाँ पर आपको शांति सुकून मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर कहते कि जो ये 84 मंदिर है ये जो मेरु वर्मन थे उन्हीं के काल में ये बनाए गए थे, हालांकि इस प्रकार उस टाइम ये इस प्रकार के नहीं थे, परंतु अब इनको बहुत साल पहले इनको पक्के मंदिरों में बदल दिया गया था, परंतु इनकी जो स्थापना हुई थी वो मेरु वर्मन के काल से ही हो गई थी। तो अगर आप मनमेश जा रहे हो ठीक है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके लिए जो हेली टैक्सी है वो सेवा भी उपलब्ध होगी, आप हेलीकॉप्टर के द्वारा ही वहाँ से जो हेलीपैड है भरमौर में वहाँ से आप गौरीकुंड तक यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है आपको बस की तरह ही एक इसका जो अपना अपना रेंट होता है इसका ठीक है किराया वगैरह होता है, तो बेड के अनुसार इसका जो किराया होता है वो ये वसूल करते हैं, परंतु ये जो इसका रेट है वो फिक्स होता है जो आपका किराया होगा। तो अगर आप मनमेश जा रहे हैं तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप हेली टैक्सी के द्वारा भी गौरीकुंड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गौरीकुंड तक का रास्ता बहुत लंबा है। तो इस प्रकार से यात्रा करनी है और आपको जानते हो गया, आप कहते हैं कि बहुत से लोग जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं वो हर वर्ष आते हैं। इसी प्रकार का एक मंजर हुआ दो साल पहले, कुछ दर्शक आए थे मनमेश और जो कमलकुंड है उससे ऊपर चले गए, और जब उनको वहाँ के जो साधु संत थे उन्होंने मना किया कि आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से जाने ऊपर आगे जाने की आगे किसी को नहीं है, तो उन्होंने बात नहीं मानी और वो चले गए और रात को वहीं रुक गए। और दादा ने कहा था कि जब वो एक बार बाबा स्वयं वहाँ रुके थे तो कमलकुंड में उनको भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई थी एक कि यहाँ मत रुक, यहाँ रुकना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। और उस बाबा ने कहा कि रात को जिस प्रकार एक डीजे का साउंड सुनाई देता है उसी प्रकार से आवाजें आ रही थी, किसी के हंसने की, किसी की रोने की, किसी प्रकार चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो जब उन बाबा ने उन लड़कों को रोका कि आप यहाँ मत जाइएगा तो वो नहीं माने और वो चले गए, और कहते हैं कि वो रात को वहाँ रुके और जब वो वहाँ रुक ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा मैदान है और वहाँ पर एक नुआला लगा हुआ है,
और सब भक्त वहाँ पर लीन हो गए। और वो जब वो वहाँ पहुँचे तो उसको देखकर वो स्वयं लीन हो गए। और जब वो वापस आए तो कहते हैं कि वो एक तो एक साल जब तक मणिमेश की अगली यात्रा शुरू नहीं हुई तब तक वो उसी भक्ति में लीन रहे, उसी की भगवान शिव में आराधना में खोए रहे। और दूसरी बार जब उनको वापस आया, जब वो पहली बार वापस गए अपने घर, तो एक बाबा ने कहा वहाँ आकर उनको कि एक बार मैंने जाने दिया, अब दूसरी बार आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो कहते हैं कि वहाँ पर वो जब नहीं माने और चले गए, ठीक है, वो और अगली बार वो फिर आए थे। और जब अगली बार आए वहाँ पर तो फिर बाबा वहाँ पर प्रकट होकर उनको मना किया, नहीं माने वो चले गए मणिमेश यात्रा होने से पहले ही। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा ये किस्सा। तो कहते हैं कि जब वो वहाँ गए थे तो ऐसे जब कोई ऊपर से मान लो कि सर्वशक्ति कोई आपको एक हाथ से ऊपर ऐसे प्रेस कर दिया नीचे को, तो वैसे वो लड़कियों की लाशें मिली। और एक बाबा रहते थे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बाबा ने आकर नीचे जो पुलिस वाले वगैरह होते थे उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे वहाँ चार लड़कों की लाशें पड़ी हुई है, उनको ले जाइए। तो ऐसे ऐसे तथ्य भी, ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी है वहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा अपने, जो एक होता है अंतिम आत्मविश्वास और एक होता है अंधविश्वास, तो इन दोनों में फर्क को जानकर ही आप अपनी जो यात्रा है उसको शुरू कीजिएगा। जो आपको जो नियम बने हैं मणिमेश के, उसी नियमों को उन्हीं नियमों को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नियम फॉलो नहीं किया है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मणिमेश एक कहते हैं कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने लिए कोई घर बनाते हैं, पत्थरों के छोटे से घर बना जाते हैं, कुछ क्या कर जाते हैं, तो ये भी एक उनकी जो वास्ता है। कहते हैं कि अगले जन्म में उनको, अगर इंसान का जन्म होता है तो उनको वहाँ पर जो सुख देख जीवन मिले अगला जन्म जो होगा उनका। और जो यात्रा होती है ये शुरू हो जाएगी, तो जो यात्रा शुरू होती है तो इसके लिए जो भगवान शिव के जो भक्त है उनके द्वारा ये जो चेला कहते हैं इनको हम, तो जो चेला होता है जो प्रमुख वही सबसे आगे चलता है और उसी के आगे चलने से यात्रा शुरू होती है। और जब तक वो स्वयं शुरू आगे नहीं चलते हैं तो तब तक ये यात्रा शुरू नहीं होती है। उन्हीं के आने के बाद यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है डेडू की, और वो उसके बाद ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कहावतें हैं ये जो कहते हैं कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है पानी, यहाँ कहते हैं कि इसका कोई तला नहीं है, इसके नीचे कोई मतलब जमीन नहीं है। कहते कि इसमें जो डूब गया एक बार उसको पता नहीं लगता है कि इसका शुरुआत कहाँ से और इसका अंत कहाँ पे। तो ऐसी ऐसी भी कुछ कहावतें हैं, अगर बोलते हैं ना कि मानोगे तो गंगा, नहीं मानोगे तो बहता पानी, इसी प्रकार से अगर रास्ता है तो आप मानोगे, अगर रास्ता नहीं है तो आप नहीं मानोगे। अगर आप यात्रा करते टाइम अपने दिल में और अपने दिमाग में बाकी सब बातों को भूल कर बस यही बातें याद रखेगी, और दिल में जिस प्रकार से कोई अपनी प्रेमिका का नाम प्रेमिकों को याद करता रहता है, कोई अपने घर वालों को याद करता रहता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के आप ध्यान करते हुए मणिमेश जाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भगवान शिव के आपको दर्शन होंगे वहाँ पर, आपको कोई ना कोई उनका प्रतीक कोई चिन्ह आपको दिखाई देगा, वो जो आपको उनके दर्शन होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको दर्शन होते हैं, और दर्शन तो होते हैं परंतु जो उनको दिखता है वो औरों को नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो दिखता है वो उन्हीं को दिखता है। तो ये भी आस्था का विषय है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, और जो हम सब की ओर से आपको जो मणिमेश की यात्रा है इसके लिए शुभकामनाएं। आप जाइएगा, आपकी यात्रा शुभ हो।
अंत तक इस वीडियो को देखिए। ये जो मंजर दिखाई दे रहा है ये मणिमहेश के दृश्य है कुछ, और आपने जिस प्रकार से आप ये मणिमहेश का देख यात्रा देख रही है, तो मणिमहेश में जो जम्मू कश्मीर के जो भगवान शिव के अमरनाथ के जो भक्त है वो भी आते हैं यहाँ से, तो उन्हीं के द्वारा ये उनके द्वारा और जो यहाँ के जो भक्त है भगवान शिव के उन्हीं के द्वारा ये यात्रा का शुरुआत होती है। तो मैं कुछ आपको तथ्य बता रहा हूँ, उन तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर उनको आपने नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा है। तो अगर आप मणिमहेश जा रहे हो तो अगर आपको रास्ते में कोई बहुत ही जो आपको बाबा वगैरह मिलते हैं भोलेनाथ के भक्त जो होते हैं साधु संत मिलते हैं, तो उनकी संगति में आप बैठिएगा, उनसे आप मणिमहेश के भगवान शिव के विषय में सुनिएगा कहानियाँ। वो जब धुआं वगैरह दोना वगैरह लगाते अपना, तो वहाँ पर वो भक्ति और भगवान शिव की आस्था के बारे में लोगों को बताते हैं किस प्रकार भगवान की शिव की महिमा है, तो उनके माध्यम से भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। तो उनकी संगति में आप बैठिएगा अगर आप मणिमहेश की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो रास्ते में आपको मिलेगी, आप बैठिएगा उनसे। जिस प्रकार आप कहीं यात्रा करने जाते हैं घूमने फिरने जाते हैं, जिस प्रकार आप दोस्तों की संगति में बातें करते हैं, उसी प्रकार कि भगवान शिव के जो भक्त है साधु संत इनकी संगति में बैठिएगा, क्योंकि भगवान शिव के अत्यंत प्रिय है और उन्हीं की संगति में आपको भगवान शिव के बारे में जो सबकी जानकारी है वो मिलेगी। तो ये आपकी यात्रा होगी इस प्रकार से, मणिमहेश की यात्रा इस प्रकार से आप यात्रा कर सकते हैं।